सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो पोकेमॉन यूनाइट। सो गाइज, आज मैं यूज़ करने वाला हूँ गार्चम को। तो चलो यार, गार्चम को गाइज यूज़ करते हैं। एंड गाइज, इसमें जो बिल्ड होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा भाई ओपी होने वाले हैं, और यार एम्बलम्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं। तो वैसे तो गाइज ये मास्टर रैंक गेम प्ले है, सो प्लीज़ यार वीडियो को एंड देखना, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जो भी चैनल भाई न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल अपनी गेम प्ले पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज, मैंने टॉप का मतलब भाई चुना है, मैंने टॉप पर आया हूँ यहाँ पर, और टॉप में मेरे साथ में है पिकाचू। और गाइज एक और बात बता दूं मैं आपको कि गाइज ये रैंडम मैच होने वाला है, यानी मैं सोलो क्यू कर रहा हूँ ऑनली, इसमें भाई कोई भी नहीं है मेरे साथ का, ठीक है। तो चलो गाइज जल्दी जल्दी भाई अपना फार्म लेते हैं। और यहाँ पर भाई आया था देखो ज़ोरोआर्क, तो यार इसको मैं मारता हूँ, बट यहाँ पर पिकाचू भाई किल स्टील करके ले जाता है, और यहाँ पर होती है एस्पियन, बट कोई नहीं यार हम देखते हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ पर ये आने वाला है, तो मैं सोचता यार यही ले लेते हैं। बट गाइज यहाँ पर देख सकते भाई पिकाचू मेरा सारा का सारा फार्म ले जाता है, और मैं कहता हूँ भाई मतलब क्या ही बंदा है यार, कुछ तो दे दे, मतलब फाइव लेवल को हो जाऊँ कम से कम, कुछ तो आ जाएगा मेरे हाथ में। और यहाँ पर चलो यार हम लोग तीन बंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर भाई देखो ये भी आता है ग्रेनिंजा, तो ये लोग तो मतलब भाई उनको पुश करने चले जाते हैं। मैं सोचता पहले देखो फार्म करके मतलब आपकी लीवल होगी तभी आप लोग कुछ कर पाओगे, तो मैं तो भाई यहाँ पर फार्म करता हूँ सीधे भाई, और कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर चलो गाइज मैंने तो ये तो ले लिया, और ये बंदे भाई पुश कर रहे हैं दोनों, बट कोई इनको करने दो, मेरे को कोई नहीं लेने देना अभी। और यहाँ पर चलो गाइज बी आ जाती है, तो भाई मैं ईजिली यहाँ पर बीस भी ले लेता हूँ, थोड़ी बहुत यानी एक दो बीस मेरे को मिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्टन कर रही है यार एस्पियन। तो गाइज यहाँ पर दो दो बंदे होते हैं, तो मैं एक बंदे को तो फिनिश कर देता हूँ गाइज। और यहाँ पर ये देख सकते हो मतलब एस्पियन यार मेरे को स्टन करके मारी देती है लास्ट में, और हमारा ग्रेंजर देख सकते हो यार पता नहीं क्या कर रहा है यार, इसको मारी दे। तो यहाँ पर चलो गाइज आपका भाई एक और लौट के आ गया है, तो यहाँ पर चलता हूँ सीधे बॉटम में, क्योंकि देखो बॉटम में भाई ये बंदा हमारा पिट गया, पता नहीं कौन है यार। तो चार यार था काफ़ी ज़्यादा, मतलब भाई इसने रोक के रखा था, बट कोई नहीं ये मर गया। और यहाँ पर चलो गाइज मैं तो आ गया, और मैं देखो तो इसको यार एप्सोल को पीटता हूँ सीधे। तो यहाँ बैरी खाई मैंने, और गाइज अभी ये मरने वाला है क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई। तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को फिनिश करके मतलब बफ ले लिया, जिससे मेरी लेवल अप हो जाती है। एंड गाइज यहाँ पर मेरी एक मूव सेट ओपन हो जाती है, वो है यार ड्रैगन रस। तो यहाँ पर मैं यहाँ गाइज यही यूज़ करने वाला हूँ, ड्रैगन रस एंड ड्रैगन क्लॉ, तो इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है उसके मुकाबले, कैसे अर्थ क्या कहना गाइज, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टन होता है, अगर ये स्टन हो गया गाइज तो वो मतलब यूज़ नहीं कर पाओगे आप इजिली मर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोचता चला यार ड्रैगन रस एंड ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सेंटर में, और सेंटर में होते दो बंदे, तो यहाँ पर सीजर भी होता है, तो थोड़ा सा बैग ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखता हूँ एक एचपी का होता है ज़रूर, तो गाइज इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, बट ये भाग जाता है यार, और गाइज मैं फंस जाता हूँ यहाँ पर, तो सीजर मेरे को ईजी निकाल लेगा, बट कोई नहीं मैं तो थोड़ा सा भाई भागता हूँ, बट ये भाई मेरे को मार ही देता है। चलो कोई बात नहीं, गाइज आपका भाई एक लौट के आ गया है, और इस बार फिर से मुझे मिल जाता है सीजर, तो भाई इसको लास्ट में मार ही देता हूँ मैं। तो भाई इसको मारने से मतलब एक और बफ मिल जाता है मुझे, और यहाँ पर मैं हो जाता हूँ भाई सेवन लेवल का। तो गाइज़ मेरी देख सकते हो दोनों मूव सेट गाइज ओपन हो चुकी हैं, वो है ड्रैगन रस एंड ड्रैगन क्लॉ, बस अब बचा क्या है भाई मेरी यूनाइट मूव, एंड लेवल नाइन हो जाए तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो गाइज हम टॉप का पूरा पुश करते हैं सीधे यहाँ पर, तो इन लोगों का टॉप का तो पूरा डेस्ट हो जाता है, बट यहाँ पर देख सकते हो गाइज मैं इजीली मर जाता हूँ, मतलब भाई एस्पियन मतलब क्या फ्यूचर साइड चला रही है, पता नहीं क्या चला रही है वो इजीली मार देती है। तो यहाँ पर फिर से मैं गाइज टॉप पर आता हूँ, और यहाँ पर इन दोनों को स्टन करता हूँ गाइज, और यहाँ पर भाई दोनों को मतलब मारता तो मैं ही हूँ, बट यहाँ पर मतलब किल नहीं मिलता, बट कोई नहीं। अगर आप मतलब गार्चम को इजीली बढ़िया चला सकते हो, मतलब अगर प्रो होना चाहते हो गाइज, तो आपको पता क्या करना होगा, इसकी ड्रैगन रस एंड ड्रैगन क्लॉ एक साथ चलानी होगी, जिससे पता क्या होता है यही घूम जाता है गाइज। तो ये चीज़ मतलब काफ़ी सिंपल है, आप लोग इसको यूज़ करोगे तो भाई आपकी डैमेज काफ़ी तो बढ़िया चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई फाइनली मैं नाइन लेवल का हो गया, और हम लोग सोचे चलो इसको पुश कराते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैं ड्रैगन क्लॉ चलाता हूँ ओनली, और यहाँ पर ज़रूर डैड। तो यहाँ पर हम लोग यार मतलब काफ़ी तक पुश करवाते हैं, हम सोचते हैं पुश यार सही है। तो यहाँ पर देखो इनका सिंटेक्स अल्टी चलाया, तो मैं भी यहाँ पर अल्टी चला देता हूँ गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई अल्टी भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया चल रही है, आप लोग कह रहे हो भाई आप लोग कैसे हैंडल कर सकते हो इसको, तो मैं इसको भी आपको बता दूंगा गाइस आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो, बट पहले यार इस लोगों को मार दे, मतलब भाई गोल कर दे पहले, ठीक है। तो दो बंदे डेड गाइस, और यहाँ पर भाई मेरा 40 का गोल भी हो जाता है। तो वैसे गाइज मैं आपको बिल्ड बता देता हूँ, वैसे तो आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज मैं जो बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है मसल बैंड, वीकनेस पॉलिसी, एंड गाइज तीसरा है फ्लोट स्टोन। तो गाइज ये मेरे तीनों बिल्ड हैं, एंड मेरे एम्बलम्स आप लोगों ने देख ही लेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर चलो गाइज इस बंदे को मैंने इजेक्ट यूज़ करके मार दिया, बट गाइज यहाँ पर एक सीन देखना क्या होता है मेरे साथ, मैं यहाँ पर ड्रैगन रस एंड ड्रैगन क्लॉ एक साथ चलाता हूँ, मुझे लगता है भाई उन लोगों को स्टन लगेगा तो ये मर जाएंगे, बट यहाँ पर क्या होता है दीवार होती है मतलब भाई, तो ये लोग मरते ही नहीं, मतलब मैं अवसर आगे जा नहीं पाता और मैं मर जाता हूँ उल्टा उसका स्टन से, ठीक है। तो यहाँ पर चलो गाइज बॉटम में चलते हैं गाइज, और यहाँ पर अल्टी वगैरह चल चुकी हैं, तो यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई डैमेज हो चुका है, और भाई ये मरने का नाम ही ले रहा, चलो इसको मारते भाई खत्म। चलो यार एक बंदा डेड हो गया, तो मैं चलता हूँ सीधे टॉप पर, क्योंकि टॉप पर आ गया गाइज रेजी लेके, तो हम लोगों से चलो यार टॉप पर चलते हैं। एंड गाइज ये वैसे रैंडम बंदे हैं लेकिन काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, इन लोगों को पता भाई रोटेशन कहाँ लेनी है कहाँ नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलो यार पिकाचू हमारा भाई टॉप पर ही सही है, एंड यहाँ पर डोराडोन भी चल दिया,
तो इनका मतलब एक एचपी का गाइस ये है सिंट्रेस, तो उसको देख लेंगे। एंड यहाँ पर जरोआर्क भी है तो उसको भी मार देंगे इजीली हम लोग, क्योंकि वो भी आधी एचपी का। तो यहाँ पर भाई मेरे को जरोआर्क दिख जाता है एंड भाई ये खत्म होने वाला है खत्म। तो जरोआर्क को मैंने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर ये लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं इजीली की को मेल्ट करना। एंड यहाँ पर मैं भाई इसको फिनिश करता हूँ भाई खत्म। तो पिकाचू और मैं इसको भाई फिनिश कर देते हैं। एंड भाई दो बंदों की मतलब स्टिक मिलती है मेरे को यहाँ पर। और गाइस चलो यार, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा भाई इसकी यूनिट कैसे चलाते हैं। तो चलो गाइस बॉटम में चलते हैं। एंड गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ भाई इसकी यूनिट को कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो गाइज आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि अगर आप गार्चम की यूनिट चलाते हो तो उसकी यार 5 बार चलती है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ, वो 5 बार ये मारता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं इसको स्टन करता हूँ। एंड यहाँ पर देखो इजेक्ट का यूज़ करके अब देखो मैं इसकी यूनिट चलाऊंगा। देखो गाइज यहाँ पर देखो चलाता हूँ यूनिट में, देखो 1 2 3 4 एंड गाइज ये लास्ट 5। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया होगा ये 5 मतलब इसकी लास्ट होती है। तो आपको बस ओनली इसका सर्कल है जो लाइज लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसको यूज़ करना है। देखो मैं यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आपको इसको यूज़ करना है। आपको यहाँ पर इसकी यूनिट चलानी है उसी को, मतलब उसी की तरह आप मोड़ दो उसको, तो इसकी यूनिट भाई वहीं पर ही लगेगी, ठीक है। और ये आपको लोगों को पता यार ये 5 बार मतलब ये चलाता है इसकी यूनिट, ठीक है। इसकी 5 स्टेप में होती है, ओके। तो यहाँ पर चलो गाइस चलते भाई, हमारा चार्जर पिट रहा है, क्या बात है। तो यहाँ पर ये लोग मेरे सामने नहीं आते क्योंकि इन लोगों को पता भाई इन लोगों को ईजिली मैं मतलब धुन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो गाइस मैं भी देखता हूँ भाई कोई आया सामने तो उसको पीट दूंगा। एंड यहाँ पर वैसे कोई नहीं आया, और वैसे मेरे पास यहाँ पर यूनाइट प्रूफ भी नहीं है। और यहाँ पर हमारा यार देख सकते हो यार कौन पर ट्राई, चलो इसको मारते हैं। एंड ये खत्म भाई, चलो इसको फिनिश कर दिया, बट किल नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चलो गाइस मैं बेस पर आता हूँ क्योंकि हम लोगों को मतलब काफ़ी तो फार्म चाहिए होता है। एंड मेरी यहाँ पर यूनिट मूव भी नहीं होती साथ में। एंड फाइनली गाइस यहाँ पर फाइनल स्ट्रेस हो जाती है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा फार्म ले लेता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पर यूनिट मूव नहीं होती है। तो यहाँ पर चलो यार फार्म लेने से यहाँ पर देखो गाइस पूरी होगी, फुल होगी मेरी यूनिट मूव। अब चलते गाइस सीधे सेंटर में, तो यहाँ पर मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया हमारे बंदों ने। चलो यार मैं थोड़ा देखता हूँ, मतलब थोड़ा यार कवर करता हूँ। एंड यहाँ पर देखो भाई कौन है एस पी होना, इसको देख लिया, उसने अल्टी चला दी, नाइस। और ये गाइस मरने वाली है, गाइस अभी मरने वाली है, इसको ड्रैगन क्लो मारते हैं भाई खत्म। चलो यार इसको भाई मार दिया बट किल नहीं मिला। तो यहाँ पर भाई जरोआर्क भी है, चलो इसको भी देखते हैं। एंड भाई हट निकल यहाँ से। तो यहाँ पर ये बंदे भी मतलब स्टील करने का सोचते हैं, बट गाइस यहाँ पर सीन देखना क्या होता है भाई, मैं अपनी अल्टी चलाता हूँ और भाई मैं ही स्टील कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है देखो यार सिंटेस, तो ये सिंटेस भी अल्टी चलाता है। तो यहाँ पर मैं सोचता पहले इसको फिनिश ही करके आते भाई, सिंटेस को फिनिश किया बसता भाई। यहाँ पर देखो भाई ये भी अल्टी चलाता भाई एप्सल वाटे, ये भाग जाता है। तो यहाँ पर मेरी शील्ड मतलब डेस्ट्रॉय नहीं होती है, मैं सोचता भाई मेरी शील्ड टूट ना जाए, बट यहाँ पर टूटती नहीं है मेरी शील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इजीली यार 50 का गोल भी हो जाएगा। चलो यार 50 का गोल करते हैं, देख सकते हो यहाँ पर यार 50 का गोल भी हो गया। और यहाँ पर जरोआर्क भाई पिट गया भाई खत्म, इनका जरोआर्क को भाई फिनिश कर दिया। और यहाँ पर कौन है यार इसको फिनिश करते हैं। तो इन लोगों को भाई काफ़ी गंदा हम लोगों ने पीट दिया है एंड फिनिश। तो मेरी यहाँ पर भाई देखो यार शील्ड टूट गई है, बट कोई नहीं मैं इजीली यहाँ पर गोल कर दूंगा। यहाँ पर गोल कर दिया और यहाँ पर सिंटेस ही मारा यार, इसने शील्ड तोड़ दी इसकी भी, बट कोई नहीं। और यहाँ पर थोड़ा सा बैग ले लेते हैं, अब गाइस मारते हैं। अरे यार यहाँ पर देखो गाइस इसने अल्टी चला दी, तो गाइस मैं अब तो मरने वाला हूँ भाई, इजीली मर जाऊंगा। चलो यहाँ पर इसने फिनिश कर दिया, चलो कोई बात नहीं गाइस। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सीन काट देता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चलो गाइस इन लोगों ने यार पुश कर दिया और यहाँ पर भाई ये लोग मतलब हमारा टॉप का वो फिनिश भी कर देते हैं गोल्ड, ठीक है। और मेरा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है, मैं लगता है आ नहीं पाऊँगा भाई, नहीं आ पाऊँगा, देखते गाइज। अरे भाई 3 सेकंड रहेंगे। एंड यहाँ पर भाई गोल करो भाई, जंप करो जंप करो, चलो बचा लिया। एंड यहाँ पर चलो वैसे आ तो गया, बट मैं भाई जंप करता हूँ लेकिन पहुँच नहीं पाऊँगा। चलो यार वैसे मेरे पास यूनिट आ गई थी, बट कोई नहीं। चलो यार चेक लेते भाई क्या रहता है हमारा टोटल गोल। सो फाइनली गाइज हम हो चुके विन एंड हमारा टोटल गोल गया है 754 का। तो यहाँ पर देख सकते गाइज मैं ही भी बनाऊँ यार, तो यहाँ पर देख सकते हो यार मेरे किल 15 किल किए, 15 का सपोर्ट दिया गाइस भाई, काफ़ी ज़्यादा किल कर दिए। और वैसे तो मेरा 15 असिस्ट है गाइस, मेरे काफ़ी ज़्यादा किल स्टील कर लिए लोगों ने, बट कोई नहीं। वैसे रैंडम प्लेयर से मतलब काफ़ी बढ़िया खेले। एंड गाइस आपको लोगों को एक और बताता हूँ गाइस, मैं भाई इतना ज़्यादा इसमें खुश हो गया कि मैं यहाँ पर डैमेज दिखाना ही भूल गया, मतलब भाई मेरे ध्यान ही नहीं डैमेज दिखाने की। बट गाइस मैं आपको बता देता हूँ मेरा डैमेज में क्या गया था, मेरा 88,000 यानी 88,000 का डैमेज गया था इसमें, ठीक है। सो फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही था, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलता हूँ सीधे नेक्स्ट वीडियो में।